कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। करीबन 36 घंटे बाद उनका दाह संस्कार सेक्टर 8 बाईपास रोड पर शमशान घाट पर किया गया। विकास चौधरी के अंतिम संस्कार में प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और कई बड़े नेता मौजूद रहे। विकास चौधरी को उनके छोटे भाई गौरव चौधरी ने मुखाग्नि की और इस पूरे हत्याकांड में प्रशासन अभी तक विकास चौधरी के हत्यारों का पता नहीं लगा पाया है। वहीं अंतिम संस्कार में पहुंचे कांग्रेस विधायक ललित नागर ने सीएम के बयान पर पलटवार किया। तो अभी तक हत्यारों का सुराग नहीं लग पाया है, अभी तक पुलिस प्रशासन हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई है। अंतिम संस्कार किया गया विकास चौधरी का। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उनके हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी 40 साल के नौजवान की निर्मम हत्या हुई है, परिवार को सांत्वना देनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि हाँ, हम 24 घंटे के अंदर अंदर हत्यारों को पकड़ कर दिखाएंगे।